मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ जो भी मेरे जो मेंडलीफ थे उन्होंने जो मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे, ठीक है। तो देखिए उन्होंने क्या क्या प्रयोग किए थे। तो सबसे पहले उन्होंने, देखो हम लेते हैं जो टी और कैपिटल टी, उसके बाद स्मॉल टी स्मॉल टी। अब आपको पता होना चाहिए ये मेरा कैसा है, शुद्ध लंबा, ठीक है। जो मेरा टी टी है ये कैसा है, कैपिटल कैपिटल टी, ये मेरा है शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा। और ये मेरा है शुद्ध बौना, आवाज नहीं आनी चाहिए, ये कैसा है शुद्ध बौना, ठीक है। इनमें हम कराएंगे संकर। और एक लोग एक बात देख लो आप लोग, क्या कि यहां अगर मैं आपको बताऊं जो टी है, तो देखिए यहाँ के अगर हम बात करते हैं, इधर देखिए जो मेरा कैपिटल टी स्मॉल टी आया, अगर हमने क्रॉस कराया तो जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है इसमें मेरे लंबे व बौने दोनों, इसका मतलब क्या है कि पौधा मेरा लंबा भी है और कैसा है और बौना भी है, क्या और बौना भी है। और अगर देखिए और मेरा जो कैपिटल टी है तो हमने बता दिया था कैपिटल जो मेरा कैपिटल टी है वो लंबा है, वो लंबे का मतलब होता है अगर कैपिटल टी है तो इसका मतलब कैसा पौधा लंबापन है, स्मॉल टी है तो कैसा है बौना है ना, ठीक है। तो यहां हम देखिए क्रॉस कराएंगे, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं ये मेरा क्या है, युग्मक है ना, ये क्या है, ये एक युग्मक है, क्या है युग्मक यानी गैमीट है, और ये भी क्या है एक युग्मक है, ठीक है। तो अब देखिए आगे, तो इनमें हम कराएंगे संकरण, ठीक है। तो ये टी और टी हो गया मेरा, यहाँ क्या है मेरा स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब आगे देखिए, तो ये दोनों मेरे युग्मक हैं। यहां से अगर हम देखते हैं एक ये टी और ये टी, ये है मेरा, यहां हम कराने वाले हैं संकरण लंबा। देखिए मेरा मादा युग्मक कब बनेगा, टी और टी, ये हो गया मेरा मादा युग्मक, और इधर देख लो ये हो गया मेरा नर युग्मक, क्या हो गया नर युग्मक, ये हो गया मेरा नर युग्मक है ना, यानी कि ये मादा गैमीट और ये नर गैमीट। अभी तो इनका क्या, अभी तो जब होगा निषेचन, अब देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखते हैं हम लोग, तो यहां सबसे पहले हमें बनानी होगी टेबल, यहां है मेरी कैपिटल टी यहां है स्मॉल टी। तो देखिए इस टी का इस टी के साथ होगा तो क्या हो जाएगा टी टी क्रॉस होगा। अब यहां देखिए अब इस टी का इस टी के साथ होगा इस टी के साथ, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब यहां देखिए स्मॉल टी और यहां क्या आएगी, नहीं यहां स्मॉल टी नहीं आएगी, यहां पहले आएगी स्मॉल टी और कैपिटल टी, और यहां दोनों मेरी कैसी हो जाएंगी स्मॉल टी। अब देखिए टी टी को हम क्या बोलते थे, शुद्ध लंबा, तो ये कैसा है शुद्ध लंबा। अब कैपिटल टी स्मॉल टी को हमने क्या बोला था, अशुद्ध लंबा, तो ये कैसा हो गया अशुद्ध लंबा। अब ये कैसा है
जिसमें पहले पहले स्मॉल टी है फिर कैपिटल टी है, ये है मेरा अशुद्ध छोटा या अशुद्ध बौना। ये कैसा हो जाएगा अशुद्ध बौना? ये हो जाएगा अशुद्ध बौना। और ये कैसा हो जाएगा स्मॉल टी शुद्ध बौना। क्या ये इसे हम बोलते हैं, इसे हम संकर बोलते हैं। संकरण तो मेरी बीमारी हो जाती है, संकर बोलते हैं क्रॉस को। संकरण कोई भी इन्फेक्शन या बीमारी वो अलग होता है, संकरण या संक्रमण। संकरण नहीं, यहाँ बोलते हैं संकर। संक्रमण कोई इन्फेक्शन या बीमारी हो जाती है, संकर। तो देखिए इसका अगर हम अब किसकी बात करते हैं रेशियो की, तो और देखो यहाँ होगा ये देखो अभी मैंने ये टेबल कैसी आधी, यहाँ मैंने देखो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है मेरा मादा युग्मक, क्या है मादा युग्मक। और अभी मैंने नर युग्मक इसमें लिया नहीं है, नर युग्मक लिया अभी मैंने नहीं लिया ना। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, नर युग्मक लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो ये कैसे होगा, ये टी थी इधर देखो ये वाली टी है, तो इस टी का इसमें होगा कैपिटल टी में, तो टी टी हो जाएगा, आ गया टी टी। अब इसी टी का किसमें होगा, इस वाली टी में स्मॉल टी में, तो इनटू यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इतना क्लियर। अब होगा ये स्मॉल टी का इसमें जाएगा कैपिटल टी में, तो सबसे पहले स्मॉल टी और कैपिटल टी, क्योंकि यहां से स्मॉल टी और यहां से कैपिटल टी। अब यहां से जाएगा स्मॉल टी और यहां भी है स्मॉल टी, तो ये आ गया स्मॉल टी ठीक। ऐसे होता है संकर यानी कि क्रॉस। हो गए गाइस, कोई डाउट आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आप लोग कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। और आप लोगों को कोई डाउट, ठीक है नोट कर लो, रुक जाओ। देखिए अब है मेरा अंगला, तो इसमें आपको पता होना चाहिए था कि जो लंबा पौधा है वो मेरे बौने पौधे को दबा लेता है। क्यों दबा लेता है, क्योंकि देखिए इसमें, देखिए सबसे पहले हम बात, वो तो मैंने अरेंज ही कर दिया। चलो अब हम देखते हैं क्या दुई संकर क्रॉस है ना, क्या देखेंगे दुई संकर क्रॉस। तो दुई संकर क्रॉस में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, देखिए उसमें अगर मेरा दुई संकर क्रॉस होगा तो हम क्या करेंगे, दो जोड़ी लेंगे या नहीं लेंगे। दुई संकर क्रॉस में कैसी जोड़ी लेंगे, दो जोड़ी है ना। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, इस जो अभी मैंने पढ़ा था दुई संकर वो ये जो मेंडलीव के प्रयोग थे उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं पहले, है ना। दिखाओ इधर, तो जो टेबल थी वो हमने कैसे बनाई थी, देखो यहां हमने लिया था, ये मान लिया मेरा नर युग्मक, ये मान लिया या इसे मादा मान लो, क्या मान लो, ये मादा और ये नर, ठीक है। और क्या है ये युग्मक है ना, ये हमने मान लिया मादा युग्मक हो गया और ये वाला नर युग्मक हो गया। इसका इसमें कराया कैपिटल टी कैपिटल टी, इसका इसमें कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसमें कराया स्मॉल टी कैपिटल टी, इसका इसमें कराया स्मॉल टी। तो ये कैसा होगा कैपिटल टी वाला शुद्ध, कैसा होगा लंबा, और इसे क्या बोलते हैं शुद्ध बौना। बोलते हैं शुद्ध बौना, और कैपिटल टी स्मॉल टी टी को अशुद्ध लंबा, और इसको अशुद्ध बौना। अब देखो ये तो आपका हो गया फिगर, ठीक है, ये आपको हमने चित्र से समझा दिया।
अब देखिए इसे थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं। जो मेरी हेडिंग थी वो हमने आप लोगों को क्या बताया था, ये बताया था कि मेंडल द्वारा प्रयोगों के परिणाम की व्याख्या, मतलब जो हमारे जो मेंडल थे उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे उनकी हमने व्याख्या देखी है क्या करेंगे। और सबसे पहले उन्होंने एक ऐसा ही अपना चित्र बनाया था, ठीक है। तो देखिए पौधों का लंबा व बौनापन एक जोड़ी विपरीत लक्षण है। उन्होंने क्या किया था, एक ही जोड़ी में लिया था, और कैसे लक्षण थे उनमें, अपोजिट थे, ये नहीं कि विपरीत। अब भाई विपरीत लक्षण कैसा हुआ, मैं लंबा हूं और कोई बौना हो तो जस्ट मेरे विपरीत हुआ या नहीं हुआ, उसकी विपरीत प्रॉपर्टी हुई, कौन है। अब हम अगली बात करते हैं, जो मेरा युग्मक कोशिकाओं के जीव द्रव में किसी ना किसी रूप में अवश्य पाए जाते, क्या होता है, जो मेरा गैमीट होता है, तो जो मेरा गैमीट है वो मेरा सेल में पाया जाता है, किसमें पाया जाएगा, सेल में, और सेल में किसके जीव द्रव, मतलब किसी भी जीव में लिक्विड फॉर्म में होता है, और वो कहां भाई, क्योंकि देखिए अगर हम मेल की भी बात करते हैं, गैमीट होता है उसमें स्पर्म होता है उसमें सेल होती है, तो वो किसी ना किसी रूप में होता है, ठीक है, कोई ना कोई उसका रूप होगा, जैसे कि मेल में स्पर्म एक सेल है। अब हम बात करते हैं, मेंडल ने इनको कारक या यूनिट का नाम दिया, क्या बोला, या उन्होंने एक ऐसे यूनिट दे दिया, ऐसे एक कारक बोल दिया। तो प्रत्येक लक्षण के लिए एक कारक होता है, जाहिर सी बात है किसी में भी कोई भी लक्षण होगा तो उसमें कारक अवश्य होगा, भाई बिना कारक के कोई भी लक्षण नहीं हो सकता है। अब जैसे कि आनुवांशिक लक्षण की हम बात करते हैं, तो वो क्या है, जैसे आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, वो अपने माता से पिता से, मतलब कोई भी आनुवांशिक के लक्षण हम बात करते हैं, जो मेरे माता पिता हैं उन्हीं के तो आनुवांशिक लक्षण मेरे अंदर हैं, हैं? तो वो उनके अंदर से मेरे अंदर आए, उन्हें एक कारक की जरूरत पड़ी, वो कारक क्या बन गया, युग्मक, क्योंकि पिताजी का जो भी गैमीट था और माता जी का गैमीट जब भी फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ, तब तभी तो एक भ्रूण का एम्ब्रियो का निर्माण होता है, तो एक कारक के थ्रू उनका जो जेनेटिक मटेरियल था वो मेरे अंदर है। यदि लंबेपन को, तो देखिए हमने बोल दिया था जो मेरा लंबापन है वो मेरा कैपिटल टी है, बौनापन है वो मेरा स्मॉल टी है, ठीक है। तो जब हमने ये निकाल लिया तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि देखिए जिसमें लंबे व बौने दोनों कारक एक साथ हैं, देखिए इसमें भाई लंबे भी हैं और बौने भी हैं, मतलब दोनों दोनों एक साथ हैं, दो कारक मतलब दो लक्षण एक साथ हैं, लंबापन भी है और बौनापन भी है, दोनों एक साथ हमें मिल रहे हैं देखने को। अब आगे देखिए, लेकिन इसमें केवल लंबे पौधे ही बनते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें केवल मेरे कैसे पौधे बनते हैं, लंबे पौधे ही बनते हैं, तो देखिए अब हम अगर बात करें इसमें, चलो अभी मैंने पता है आप लोगों को इसमें अभी मैंने रेशियो बताया है अनुपात की भी, रोहित और आशीष क्या है, बदतमीज, अभी मैंने इसमें आप लोगों को रेशियो बताया नहीं ना, अभी बताऊंगा, देखो रेशियो भी बताऊंगा, पहले मेरी बात सुनो। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, लेकिन इसमें केवल लंबे पौधे ही बनते हैं, कैसे बनेंगे, ओनली लंबे पौधे, देखिए उनका भी एक कारण बताएंगे हम कैसे बनेंगे। इसका कारण यह है कि लंबापन पौधों के बौनेपन को दबा देता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई पौधा लंबा होगा तो क्या होता है, जो उसका लंबापन है वो मेरे बौने पौधे को क्या करता है, दबा लेता है, फॉर्मेशन तो होगा पर उसे आगे नहीं बढ़ने देता है, अर्थात टी मेरा प्रभावी लक्षण है, जो मेरा कैपिटल टी है वो मेरा कैसा है, प्रभावी लक्षण है, मतलब वो अपने आप वो कुछ ज्यादा प्रभावी भी है भाई, जाहिर सी बात है जिसमें ज्यादा पावर होगी तो वो मेरे ऊपर प्रभावी होगा ना, तो जो मेरा टी है कैपिटल टी वो मेरा कैसा लक्षण है, प्रभावी टी, वो प्रभावी लक्षण है ना। तो देखिए क्या होगा, और जो मेरा, चलो मान लिया कैपिटल टी प्रभावी हो गया तो स्मॉल टी कैसा होगा, अप्रभावी, वो अपना प्रभाव दिखा नहीं पाता है, वो है पर वो क्या करेगा, अपना प्रभाव दिखा नहीं पाता, क्यों नहीं दिखा पाता, क्योंकि कैपिटल टी प्रभावी है, इसी की वजह से। जैसे कि एग्जांपल में हम बात करते हैं, एक क्लास है उसमें जैसे जो बच्चा पहले आ गया तो उसको मॉनिटर बना दिया जाता है, अब वो मॉनिटर है पर उससे ज्यादा भी इंटेलिजेंट बच्चा होता है, भाई मॉनिटर उसी को तो बनाते हैं जो सबसे ज्यादा हरामी होता है, इंटेलिजेंट भी होता है और उसमें अदर एक्टिविटी भी ज्यादा होती है,
हाँ थोड़ा थोड़ा चापलूसी कर ले, थोड़ा इधर की उधर कर ले, सब कुछ कर ले, तो उसको मॉनिटर बना दिया जाता है कि हाँ भाई टीचर का फेवरेट, हाँ चल बेटा बन जा। लेकिन वो, लेकिन क्या होता है, एक और बैठा होता है जो है इंटेलिजेंट, पर वो ओनली सीधा उसे पढ़ाई से मतलब है, तो उसकी जो एक्टिविटी है वो दबी रहती है किसके, मॉनिटर के पीछे। भाई जो भी होगा मॉनिटर पहले बोलेगा चल बेटा बता इसे एक्सप्लेन का। लेकिन इसी, हाँ तो यहाँ कैपिटल टी मेरा प्रभावी और स्मॉल टी अप्रभावी है। अब हम बात करते हैं, तो मेंडल ने इसे प्रभाविता का नियम बोला। मेंडल ने इसे क्या बोला, प्रभाविता का नियम। अगर आपके क्वेश्चन में ये भी करके आ सकता है कि मेंडल के प्रभाविता, वो प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए, ठीक है, तो इसे मेंडल ने क्या बोला, प्रभाविता का नियम। ओके आगे देखिए, मेंडल ने देखा कि F1 संकरण में स्वपराकण कराने पर इससे प्राप्त बीज में अंकुरण लंबे व बौने पौधे के कितने अनुपात हो रहे थे, 3:1 के में हो गए। उन्होंने क्या किया, संकरण कराया, तो उनमें F1 पीढ़ी में, मतलब जो पहली पीढ़ी में संकरण कराया, तो इसमें जो मेरा रेशियो था वो क्या कैसा था, 3:1 का बीजों में। तो लंबे पौधे 3:1 में थे और 1:1 में बौने पौधे थे, ओके। लेकिन इन तीनों लंबे लंबे पौधों में से एक शुद्ध था और शेष दो संकर, जो मेरे तीसरी पीढ़ी में, इनमें से केवल एक ही लंबे पौधे बनते हैं। देखिए जब ये तीसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं तो इनमें केवल एक ही लंबा पौधा बनता है, पहले कितने बने थे, दो। जब ये तीसरी पीढ़ी में पहुंचे तो कितना रह गया, एक। क्या चाहिए तुझे, फिर तो साइलेंट नहीं बैठ सकती, वो बैठ सकता है। तो इस प्रकार, तो इस प्रकार क्या हुआ मेरा, तो तीसरी पीढ़ी में से कितना पहुंचा, केवल एक ही लंबे पौधा बना, वो भी कैसा लंबा, शुद्ध लंबा, ठीक है, कैसा लंबा बना, शुद्ध लंबा बना मेरा। तो शेष दो संकर से लंबे व बौने पौधे प्राप्त हुए, तो जो मेरे दो संकर बचे थे उससे लंबे और बौने पौधे प्राप्त हुए। अब उन लंबे और बौने प्राप्त, जो लंबे और बौने पौधे प्राप्त हुए उसमें भी क्या होगा, रेशियो होगा ना, तो उसमें भी 3:1 का ही हुआ। कैसे हुए, उसमें भी 3:1 का अनुपात जो मुझे प्राप्त हुआ वो अनुपात कैसा था, 3:1 का। तो इस प्रकार F2 पीढ़ी में इनके बीच, तो अगर हम अब F2 पीढ़ी की बात करेंगे तो 1:2, 2:1 होता है, कैसा होता है, 1:2, 2:1 होता है। तो यही बात है हमारी बताई थी मेंडलीफ ने, ठीक है। अब इसमें जैसे अगर हम अनुपात की बात करते हैं, देखो इसमें तो यहां देखिए शुद्ध लंबा पौधा कितना बना मेरा, शुद्ध लंबा एक बना, इधर देखो शुद्ध लंबा पौधा कितना बना, एक, और शुद्ध बौना कितना बना, एक बना। तो इसका अनुपात कितना, 1 बन गया। उसके बाद देखिए अशुद्धियां कितनी प्राप्त हुई, अदर संकर, तो 2, और शुद्ध बौना प्राप्त कितना हुआ, 1। तो ये क्या है, इसका अनुपात निकल के आ गया, ये क्या है मेरा, शुद्ध लंबा, ये शुद्ध बौना, और इसे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, संकर लंबे, क्या बोल सकते हैं, संकर लंबे हम बोल सकते हैं, अदर संकर मतलब इन्हें हम अशुद्धियां भी बोल सकते हैं। ये 2 है ना, तो आ गया 2:1, 2:1। ओके अब जो मेरा अगला टॉपिक है वो है मेरा द्वि संकर क्रॉस, क्या है, द्वि संकर क्रॉस, इसके इसे अच्छे से तैयार कर लो, द्वि संकर क्रॉस कल मैं बताऊंगा, ठीक है।